बर्फ जो है वो पार्टिकल्स में बिल्कुल, मेरा कोहरा जम गया मुंह में। हाँ अब्दुल्ला, वो ठंडा रास्ता आ गई है भाई। भाई बहुत नाइस फीलिंग है, वो ज्यादा लाल हो चुके। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अवर अनदर व्लॉग। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, इस वक्त मैं एबटाबाद की सबसे ऊंची पहाड़ी ठंडियानी, जो कि ये इलाका कहलाता है, इस पर मौजूद हूँ। और आप व्यू चेक कर सकते हैं कि क्या ही नज़ारा है, और वो जो सामने पहाड़ है उन पर आपको बर्फ़ भी नज़र आ रही होगी, पड़ी हुई है। यहाँ पर इस वक्त -4 चल रहा है, सुबह के तकरीबन 7:30 बज रहे हैं, और हमारा प्लान था कि शायद 8:30-9 बजे पहुँचेंगे, पर हम लोग काफ़ी सुबह पहुँच गए। और यहाँ पर खाने के लिए कोई होटल वगैरह नहीं है, यहाँ पर इंजॉय भी हो रहा है साथ साथ, और सुबह का टाइम है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। हम लोग कैरी डब्बे पे आए हैं, हम रात सारी सोए नहीं हैं, जागते रहे हैं सारे, ताकि सुबह उठा नहीं जाना, अगर सो गए तो फिर सुबह उठा नहीं जाएगा, उसकी वजह से सारी रात सोए नहीं है। और व्यूवर्स, अभी नीचे उतरते हैं और वहाँ पर जाके स्नो फाइट भी करते हैं इंशाल्लाह। हाँ अब्दुल्ला भाई, अब्दुल्ला भाई जो है वो फुल्ली इंजॉय कर रहे हैं, बर्फ़ को फेंक रहे हैं। हाँ जी स्नैन साहब, सर्दी है भाई, सर्दी है भाई, बहुत हैवी किस्म की। बकर साहब को देखें, ये बकर साहब तो फुल ही सुन हुए पड़े हैं, कोई बात तो बोल यार, बिल्कुल बोलना भूल गया सिस्टम, बिल्कुल मेरा कोहरा जम गया मुँह में, फ्रीज हो गया। अच्छा जी, हाँ जी रहीम भाई, क्या फीलिंग है? बहुत ठंडा, बहुत ठंडा। हाँ जी असन भाई, भाई बहुत मजा आ रहा है, दांतों के साथ दांत बजा। हाँ जी भट्ट साहब, ओ अब्दुल्ला साहब हो गया यार, प्रैंक हो गया अब्दुल्ला के साथ। हाँ जी हाँ साहब, क्या फीलिंग है भाई? बहुत नाइस फीलिंग है, जेन्युइनली बात है। व्यूअर्स, बहुत ही मजे का सीन है, फर्स्ट टाइम मैंने बर्फ जो है वो पड़ती भी तो आज भी नहीं देखी, लेकिन पड़ी भी बर्फ जो है वो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। और काफी ठंड है, बताया आपको -डिग्री चल रहा है। ठंडियानी का टॉप कहलाता है ये, और यहाँ पर ये चेयर लिफ्ट भी है, पर हिम्मत नहीं हो रही किसी की भी, सर्दी की वजह से। ठंडियानी है, इसको हम बाबूसर टॉप कहते हैं भाई। ये क्या गरीबों का बाबूसर टॉप है? ये गरीबों का बाबूसर टॉप है। ये कहूँ ये बकर साहब को देख लें आप, बकर साहब की तो कुछ समझ ही नहीं आ रही, जो करना क्या है, हो क्या रहा है। गर्दिश में आ गए यार भाई, फुल इंजॉय कर रहे हैं, पर ये जो ठंडी बर्फ है जब जा रही है ना गर्दन में, तो बहुत ज्यादा सब्जी लग रही है। ये मौलवी साहब फुल इंजॉय कर रहे हैं, और व्यूअर्स यहाँ से जो है वो अभी व्यू आ रहा है आपके सामने, ये देखें, ये बर्फ जो है वो पार्टिकल्स में है, टुकड़ों में, और वो जो सामने पहाड़ है वो उन पर बर्फ बहुत ज्यादा हैवी पड़ी हुई। बस हाथ बिल्कुल सुन्न हो गए हैं, और बर्फ फौरन ही पिघल गई हाथों के ऊपर ही, स्लिप होने लगा था। और मैं यार भाई अभी ताज़ा स्लिप हुए हैं वहाँ पर, अभी जो है मेरे हाथ ही आप देख सकते हैं, और आप अभी देखें थोड़ी बहुत ज्यादा लाल हो चुके हैं। घंटे आधे घंटे तक इधर बर्फबारी दोबारा स्टार्ट होने वाली है, बर्फबारी जो है वो दोबारा शुरू हो सकती है। और भाई आहद भाई और एसन भाई जो है इस टाइम प्लानिंग कर रहे हैं हमारी वापसी के, जो है वो उसमें थोड़ा सा जो है ना ट्रैवलिंग का, आपको फिर हमारा ठंडियानी टॉप से जो है वो अल्लाह हाफिज, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।